नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बीपीएससी एग्जाम पोर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्पेशल इवेंट में बताना चाहूंगा कि आपके राज्य में 15 जिलों में 20 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो पुराने और जो खटारा वाहन जो होते हैं, जो 15 या 20 साल पुराने होते हैं, जिनका की पुनर्रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना है, उनको अब स्क्रैप करने के लिए, डेट मीन्स को उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कबार केंद्र खोला जा रहा है। और खोलने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। आप में से भी आवेदन इसमें से कोई चाहे तो कर सकता है। अब यहां पर बताना चाहूंगी, सर्वाधिक जो 5 स्क्रैप केंद्र है वो पटना में है, और इसके अलावा 3 वैशाली में आप देखेंगे, और जबकि मधुबनी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और समस्तीपुर समेत 12 जिलों में एक एक आवेदकों को कबार केंद्र खोलने की अनुमति मिलेगी। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से आपको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। 10 वर्षों के लिए ये कबार केंद्र का लाइसेंस आपको प्रदान किया जा सकता है। और यहां पर ऐसा भी नहीं होगा कि आप जाकर कोई भी गाड़ी को, क्योंकि कोई चोरी की गाड़ी भी हो उसको जाकर स्क्रैप कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पूर्णतः सत्यापन के बाद ही स्क्रैप किया जाएगा गाड़ी, पता लगाया जाएगा उसका मालिक कौन है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, और सारे पुलिस रिकॉर्ड के साथ चेक होने के बाद ही उसको स्क्रैप में डाला जाएगा। तो ये एक विशेष है आप सब लोग के जिले में। तो जुड़े रहिए ऐसी विभिन्न जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जस्ट ही लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। यहां मिलती है आपको 67वीं बीपीएससी की संजीवनी बूटी की तैयारी, और अभी आ रही है 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन के साथ बहुत ही कंटेंट बेस्ड क्लासेस। नमस्कार, धन्यवाद।